तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं सोकर उठ गई हूँ। और फ्रेंड्स आज लाइट नहीं था, सो के उठने टाइम ही मैं देखी तो लाइट नहीं था, तो मेरे पास है ये लाइट, तो चलिए आज इसी से पढ़ाई करते हैं। तो इसको ऑन करते हैं, हाँ ये ऑन हो गया। और अब चलिए मैं पढ़ाई करती हूँ। और उससे ये आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम, रात में ऐसे ही सो जाती हूँ और बेड सबको भी अच्छे से फोल्ड करके रख दी हूँ। और चलिए मैं लगाती हूँ आज अपना फर्स्ट स्लॉट। और फ्रेंड्स आप लोग का कमेंट था कि आप अपना मैप दिखाइए, तो चलिए मैं पहले आज आप लोग को अपना मैप ही दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले एक साइड से दिखाती हूँ। ये है भारत का संविधान, जो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। आप लोग को मैं सामने जाकर दिखाती हूँ, इसमें आर्टिकल वगैरह सारा दिया हुआ है, जितने भी आर्टिकल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा भारत का संविधान। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है भारत का इतिहास। और इसमें जितने भी युद्ध वगैरह थे सब आप लोग को मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। लाइट तो है नहीं, रुक के लाइट ला कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, संगम युद्ध सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये रहा, उसके बाद ये भारत का प्राकृतिक मैप है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट तो है नहीं, बट जितना हो पा रहा है मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। अब इधर चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग को दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोग को यही सेम ख़रीदना है तो आप लोग ये फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। आई थिंक मैं भी फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदी थी। आप लोग को लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये रहा, और फ्रेंड्स ये है वर्ल्ड का मैप। तो ऐसे हम लोग के लिए तीन चार ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग को ख़रीदना हो तो ये चारों ख़रीद लीजिएगा, ये वर्ल्ड का, इंडिया का, और ये दोनों, भारत का संविधान और भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपना आज स्लॉट लगाती हूँ। फ्रेंड्स धूप निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो
चलिए कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का सेशन स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए पेट का पानी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स फेस धो लिए हैं और अब तो और नींद आई, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये 10th क्लास का NCERT था, साइंस का, तो का मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब ये है सिलेबस दृष्टि का है, तो चलिए मैं इसमें देख लेती हूँ क्या क्या सिलेबस में कवर हुआ है अभी तक और क्या क्या छूट रहा है, तो चलिए देख लेती हूँ एक बार। और आप लोग का कमेंट था कि आप लोग को सिलेबस जानना है, तो ठीक है मैं सिलेबस लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं देख ली हूँ और फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोग का बहुत सारा कमेंट है कि आप पूरा डे का रूटीन शेयर कीजिए, तो ठीक है मैं इसके बाद मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को फुल डे रूटीन वीडियो लाऊंगी आप लोग के साथ और दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। और तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए स्टडी ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।